एक बार एक जंगल में भयंकर बाढ़ आई होती है तो जंगल के सभी जानवर इस बाढ़ के पानी से बचने के लिए एक ऊंची जगह पर जा रहे होते हैं, लेकिन एक हथनी अपने दो चूहों के साथ पीछे ही छूट गई होती है। ये जल्दी से भागकर अपने दोस्तों के पास जा रही होती है, तभी इसके सामने एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है जिससे ये हथनी यहीं फंस जाती है। ये अपने दोनों चूहों को पत्थर के बिल से बाहर निकाल देती है। ये दोनों चूहे इस हथनी को बचाने के लिए जल्दी से भागकर अपने दोस्त हाथी के पास जाते हैं और इस हाथी को अपने साथ बुलाकर ले आते हैं। बाढ़ का पानी तेजी से इनकी ओर आ रहा होता है, लेकिन ये हाथी डरता नहीं है बल्कि पानी में कूद जाता है और अपने सूंड में एक बड़ा सा लकड़ी लेकर हथनी के पास वाला पत्थर हटाने लगता है। तभी यहाँ एक मगरमच्छ आकर इस हाथी को पानी के नीचे खींच ले जाता है और दो मगरमच्छ मिलकर इस हाथी पर हमला करने लगते हैं। तभी ये हाथी जल्दी से तैर कर अपने लकड़ी के पास आ जाता है। उसके बाद जब ये दोनों मगरमच्छ इस पर हमला करने आते हैं तो ये हाथी यहाँ से हट जाता है और ये दोनों मगरमच्छ इस लकड़ी से टकरा जाते हैं जिससे यहाँ का पत्थर हट जाता है और ये हाथी और हथनी दोनों पानी